हेलो गाइस, मैं सूरज राज आज आपकी नई वीडियो के साथ आए दोस्तों। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो बॉटनी का ये थर्ड पेपर है, ठीक है ना। बॉटनी का थर्ड पेपर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि 2020 में आने वाले क्वेश्चन, जी हाँ 2020 में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को रट लेना है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को रट लेना है, याद कर लेना है, कुछ समझ लो। इन क्वेश्चनों के अलावा यदि आपको एक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के अलावा इस वीडियो में केवल मैं आपको 21 क्वेश्चन देने वाला हूँ, और 21 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको इनको तैयार करना है बस। और कोई भी बुक से, मतलब कि किताब में से कोई भी क्वेश्चन को और नहीं देखना है इन क्वेश्चनों के अलावा, ठीक है ना। तो एक बात और बता दूं, यदि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको केमिस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ये भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ, ठीक है ना, और जियोलॉजी, बॉटनी, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक है, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाक से टच करिए और वहां से सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको वहां से सारी की सारी प्लेलिस्ट में जो वीडियो हमने सेट कर देते हैं वो सारी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब एक बात और आ जाती है हमारे सामने कि हमारे पास नोट्स भी होना बहुत जरूरी हो जाता है, जी हाँ। तो हमने केमिस्ट्री में ज्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं, उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक में नोट्स बना रखा है, शॉर्ट ट्रिक में नोट्स बना रखा है, उसका भी मैंने लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नीचे लिंक पे चले जाइए, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। चलो, तो एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए यदि आपका कोई ब्रो, सिस्टर, भाई, दोस्त, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी हाई स्कूल या इंटर में है, तो उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बता देना, क्योंकि हमने उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं और मैंने उनके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो प्लेलिस्ट में चले जाने के, चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से हाई स्कूल इंटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आने वाले देख लीजिए। देखिए, हम आपको केवल एक ही बात चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अच्छी परसेंटेज से पास होना चाहिए। देखिए, ये कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, जो हम इस वीडियो को शेयर ना करें, याद रखना, ये कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसे हम इस वीडियो को शेयर ना करें। कथा की देखिए, काफी लोग समझते हैं इस बात को कि यार कंपटीशन का एग्जाम है यार, वो भी मुझसे अगले निकल जाएगा, मत बताओ यार, मैं पास होना चाहिए, दूसरा बंदा पास हो या ना हो, मेरा दोस्त पास हो ना हो, लेकिन यार ऐसा मत करो, दोस्त को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि ये बीएससी का एग्जाम है, हाई स्कूल इंटर का एग्जाम है, ठीक है ना। ताकि देखिए, हम रहेंगे तो हमारा दोस्त यदि हमारे साथ रहेगा तो बढ़िया रहेगा ना, हमारी जो पावर है ना बनी रहेगी, समझ में आ रहा है। कहीं भी कॉलेज में जाएंगे तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ में यदि दोस्त रहेगा तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी देखिए, ये जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। देखिए, चलो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, यदि आपने बुक, नोट्स वगैरह कुछ भी फटाफट खोल रखा है ना, तो देख लीजिए पहले नोट्स को, आप पहले क्वेश्चन को आप वो टच कर देना है। देखिए, हाँ, पहले को, और वहाँ पे टिक कर दीजिए कि इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है ना। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के समान लक्षण को आपको देखना है। टेरिडोफाइट जानते हैं, टेरिडोफाइट के समान लक्षण, ये देखने में कैसा होता है, ये कैसा होता है, कैसा चलता है, कैसे खाता है, यही सब लक्षण होते हैं, ठीक है। उनकी विशेषताएँ बता देनी है, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, उनके स्टल तंत्र, जी हाँ, इसका स्टल सिस्टम होता है ना, जो स्टल सिस्टम, स्टलर सिस्टम कहा जाता है, स्टलर सिस्टम कहा जाता है, उसके बारे में आपको बता देना है। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है लाइकोपोडियम, जी हाँ, लाइकोपोडियम का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कहा जाता है, लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, ये क्वेश्चन को आपको टच कर देना है, इस क्वेश्चन को याद करना है। उसके बाद में देखिए, राइनिया, राइनिया जानते हो, राइनिया, राइनिया का जनन भागों को जो आंतरिक संरचना होती है, आप जानते हैं, जनन भाग, रिप्रोडक्शन पार्ट की बात की जा रही है, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है, अंदर वाला स्ट्रक्चर बताना है, जो जनन करता है जिस पार्ट से, उसका अंदर वाला भाग कैसा दिखता है, उसकी संरचना क्या है, ये देख लेना है, ठीक है ना। देखो यार, ये जूलॉजी है भाई, जूलॉजी है, और सॉरी, ये बॉटनी है, और बॉटनी जूलॉजी में कभी शरमाने की कोशिश मत करना, जिस बंदे ने बॉटनी जूलॉजी दी है ना, ली है, वो कभी शरमाए नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ शर्म आने की कोई चीज़ नहीं, मतलब कि हम शर्माते हैं लोग ना काफ़ी, ये यार ऐसी चीज़ क्यों आ गई कि जो जनन पार्ट है, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका अंतर वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ज़रूरी नहीं होता यार, यहाँ समझो, क्योंकि ये बोल क्या रहा है, ठीक है ना। ये जो रबिया है वो एक प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट, उसकी बात की सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ आपको जूलॉजी का, देखिए बॉटनी का थर्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, बॉटनी का, जूलॉजी नहीं चल रही है, लेकिन जूलॉजी बॉटनी में शरमाने की बात, जो जो बंदा जूलॉजी बॉटनी लेता है ना, वो डॉक्टर हो गया, समझ लो, आप बैचलर डॉक्टर बन गए, समझ लो, बीएससी करने के बाद यदि आपने बीएससी फाइनल कर ली ना, तो आप बैचलर डॉक्टर बन जाते हो। मतलब क्या है कि आपको एक उपाधि मिल जाती है डॉक्टर की, ठीक है ना, हल्की डॉक्टर लगा नहीं सकते, हर जगह नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम एमएससी कर लेते हैं तब हम डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, जी हाँ, हमें डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, हम डॉक्टर लगा सकते हैं अगले,
ठीक है ना, एमएससी करने के बाद में, क्योंकि हम मास्टर ऑफ साइंस बन जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी हम जूलॉजी से जा रहे हैं, बॉटनी से जा रहे हैं, फिजिक्स से जा रहे हैं, केमिस्ट्री से जा रहे हैं, उसके अंदर एक एक पॉइंट के बारे में हमें जानकारी मिल जाना एमएससी का एक मेन पॉइंट होता है। उसके बाद में हम जब पीएचडी करते हैं ना, जब उसके बाद हम पीएचडी करते हैं तो हम तो फिर तो कुछ भी लगा सकते हो नाम के अगले, क्योंकि हम बन जाते हैं प्रोफेसर। देखिए एमएससी करने के बाद प्रोफेसर में जॉब निकलती है, वहाँ भी डाल सकते हो, जो प्रोफेसर लोग होते हैं ना उनमें डाल सकते हो। उसके बाद में फॉर्म यदि फिल हो जाते हैं तो किसी एक जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी करी होगी, एमएससी फिर पीएचडी कर रहे हैं तो उससे आप प्रोफेसर बन जाते हो उस सब्जेक्ट के। तो ऐसा होता है, ठीक है ना, एमएससी करने के बाद में। तो आपका क्या इंटरेस्ट है, टीचर के लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिसमें चाहो उसमें जा सकते हो। बिल्कुल आपके लिए हर जगह एक रास्ता खुली रहती है बीएससी वालों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो है नेफ्रेलिप्स, नेफ्रेलिप्स का जीवन चक्र देख लेते हैं, ठीक ना, तो साइबिक कैसे होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, देखिए सेलेनिन, जो सेलेनिन लला होता है उसका हेड्रोस्पोर्ट्स एंड स्पोर्टी होता है, और उसके बीज प्रकृति मतलब सीड हैबिट्स क्या होते हैं, ये आपको देखना है। बीज की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, जो सेलेनिजेला है एक प्लांट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका मार्सिलिया, मार्सिलिया का राइजोम होता है उसकी आंतरिक संरचना देखनी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेना है, और साथ में उसका जीवन चक्र भी देख लेना है, ठीक है ना, उसका जीवन चक्र भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आवृतजीवी पौधों के लक्षण, जी हाँ आवृतजीवी पौधे क्या होते हैं, यार ये भी बहुत ज़रूरी आ जाता है, ये तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, भले ही आप शॉर्ट में पूछा जाए या फिर लॉन्ग में, आज आवृतजीवी पौधों का लक्षण वर्गीकरण और महत्व के बारे में, ठीक है। अब उसके बारे में एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो साइकस की पत्ती की अनुपस्थिति लिखी है, आप साइकस जानते हो, साइकस एक प्लांट होता है, उसकी जो पत्ती होती है उसकी एक अनुप्रस्थ काट कैसी होगी, पत्ती को काटने के बाद कैसी दिखाई देती है, ये आपको बताना है। या देखिए ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखते हैं ना, तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कलरलेस लगाने के बाद में, आपने देखा होगा बिल्कुल, यदि आपके टीचर ने प्रैक्टिकल कराए होंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ एक बार ये बात देख लेना, कोई बात नहीं, साइकस देख लेना आपके बाहर मिल जाएगा, आपकी लाइब्रेरी होती है ना, तो ठीक है ना, आपकी जो लैब होती है उसमें आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी से बुक निकाली है, ठीक है ना, लाइब्रेरी से बुक निकाली है प्रैक्टिकल की, और साथ में सब प्रैक्टिकल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर से भिड़ जाइए। देखिए हम तो जब पढ़ा करते थे तो हमने तो सीधी बात कह दी कि सर हमारी देखो नहीं सुनोगे तो हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे, और प्रिंसिपल नहीं सुनेंगे तो सीधे हम तो तुम तो जानते हो, तो हम डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दे देंगे और हमें पता नहीं आप प्रैक्टिकल कराइए। तो समझ लो उस टीचर ने उस दिन के बाद में एक एक प्रैक्टिकल कराया हमारा, भले ही देखो हम एक मैं अकेला कॉलेज में जाता था तब भी मैं प्रैक्टिकल करता था, ये था, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल करना सीखो, एक बात याद रखो, जो चीज़ हमें कभी थ्योरी पढ़ के नहीं आती वो प्रैक्टिकल करने से आ जाती है, जो चीज़ हम एक बार कर लेते हैं ना वो ज़िंदगी भर याद रहती है, ठीक है, और जो चीज़ पढ़ लेते हैं वो हम कल को भूल जाते हैं, इस बात को याद रखना, हम जो पढ़ लेते हैं वो कल को भूल जाते हैं, और जो चीज़ हम कर लेते हैं, जो पढ़ लेते हैं वो कल भूल जाते हैं, लेकिन जो पढ़ ले जो कर लेते हैं हम जो कोई काम कर लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। इस बात को पहले तो करना सीखो, ठीक है ना, पहले करो, कोशिश करो कि ये जो हमने पढ़ा है उसे करके दिखाएं, ठीक है ना, ऐसा करा करो। तो कोई भी प्रैक्टिकल है साइकस के ऊपर काट काटी उसके बाद देखिए किस प्रकार से दिखती है, तो सिंपली आप सारी के सारे उसकी पत्ती के ऊपर काट भी दिखा देंगे, जब हम एक बार काट के देख लेंगे किस प्रकार की होती है। उसके बाद में पाइनस की जीवन चक्र क्या होता है, लाइफ साइकिल, उसके बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जीवाश्म, आप जानते हो जीवाश्म किसे कहते हैं, वो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटोफॉर्म, ठीक है ना, प्रोटोफॉर्म को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए राइनिया का जो स्पोरोफिल होता है उसका लंब कार्ड कैसा होगा, ठीक है ना, लंब कार्ड, ठीक है ना, जैसे एलएस कहा जाता है। क्या बात है यार, गजब कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम बीजाणुकता क्या होती है, और उसके बाद में नेफ्रोलिप्स का जो स्पोरोकाइट क्या होता है, ठीक है ना, स्पोरोफाइट के बारे में देख लेना है। उसके बाद में आपको नीचे जाना है, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेना है, ये शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। मार्सिलिया के जो पोटियोलोल के अनुप्रस्थ कार्ड के बारे में, जैसे टीएस कहा जाता है, और साथ में हमारा जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, उसका एचएलएस और बीटीएस ये स्ट्रक्चर के बारे में देख लेना है। साथ में आपको देख लेना है, देखिए मोनोजाइलिक कास्ट होता है जो ठीक है ना, कास्ट, ठीक है, वो कास्ट होता है वो देख लेना है, बोर्ड जिसे कहा जाता है। उसके बाद में देखिए साइकस के नरसंकु जानते हैं, उसके हम जो बुल बुक्स होते हैं उनको भी देख लेना है, ठीक है ना, बुल बुक्स होते हैं उनके नाम से जाना जाता है, वो भी देख लेना है। उसके बाद में साइकस की जो आपकी जातियों की जो उत्पत्ति होती है किस प्रकार से हुई है, आप तो जानते हैं कि जो साइनस होता है उसकी जातियाँ हैं, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ स्थान पर हुई है, कैसे हुई है, ये सारी की सारी, ये कैसे प्राप्त हुए थे, ये सब प्राप्ति स्थान देख लेना है।
उसके बाद में आपको यहाँ जाना है नीचे और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसे कहते हैं एम्फ्रोडो के नर और मादा जनन पुष्प। ठीक है, जो एम्फ्रोडो होता है नर और मादा जो पुष्प होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी टिप्पणी लिख देनी है, ठीक है ना। उसके बाद में जाना है लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे इस वीडियो का, एक्चुअली इस वीडियो का खत्म हो चुकी है और यहाँ आपको भूवैज्ञानिक समय पर जो सारणी होती है उसे क्या कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम बताने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, बहुत जल्दी ही आपकी वीडियो आने वाली है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी देखिए बता दीजिए कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल आपकी लाइफ बदल देगा। सच्ची बता रहा हूँ, आपकी लाइफ बदल देगा एक ऐसा चैनल जो आपको एक अच्छे रास्ते की ओर लेके जाता है। ठीक है ना, देखिए आज के बाद वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए, वो मत पढ़ो जो एग्ज़ाम में ना आए। ठीक है ना, आज के बाद वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे हाई स्कूल इंटर भाई जो हैं उनको भी यार शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू।